वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल तो फैजल ब्लॉग। सो दोस्तों आज की वीडियो में अपने लोग करने वाले हैं टीवीएस राइडर 125 पे बर्नआउट। तो दोस्तों बिना किसी स्किप के वीडियो को इन तक जरूर से जरूर देखिएगा। यो वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। आई होप आप सब बड़े होंगे दोस्तों, फटाफट सब्सक्राइब कर, फटाफट ये रही अपनी टीवीएस राइडर 125। और मैं कुछ करने वाला हूँ इस तरीके पे, इस तरीके के ऑयल यानी इस तरीके की मिट्टी पे मैं इसका, और मैं एक दो तरीके यानी इसको ईट पे भी करूंगा और मिट्टी भी करूंगा और रोड पे भी एज वेल आई मैं ट्राई करूंगा, अगर हो जाएगा तो ठीक, बट लेकिन मैं दो जगह दो एंगल से करने वाला हूं। दोस्तों फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब बड़े होंगे दोस्तों और आप सभी अपना प्यार जरूर दिखाइएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार भाई, कर दो। चलो अब करते हैं, एंगल सेट करके आपको दिखाता हूं। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये टीवीएस राइडर 125cc 2021 वाला मॉडल है। तो दोस्तों चलिए बर्नआउट बता दूँ, और बर्नआउट में आपको मेनली क्या चीज़ के ध्यान देना है, आप लोग को डिपेंडेंट ऑन ये आपको इस चीज़ पे डिपेंड करना पड़ेगा टोटल ब्रेकिंग्स पे। बाकी आपको थोड़ा अपना बैलेंस बनाना पड़ेगा, बैलेंस किस हिसाब से आपको किस एंगल में करना वो मैं बताने वाला हूँ। तो फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ अपना पोजीशन कुछ इस तरीके से अपना करना है पोजीशन, ब्रेक्स बैक, ब्रेक्स आपको अप्लाई नहीं करनी है। मेरा कुछ पोजीशन ऐसे रहेगा, आप सभी ने देखा मेरा पोजीशन कुछ इस पे ऐसा था, ऐसे करके यहाँ पे पोजीशन था, बैक ब्रेक मैंने यूज भी नहीं की बिल्कुल। भाई आप सभी ने देखा क्या जबरदस्त, पूरा ये देख सकते हैं यहाँ से, पूरा ये भाई देख सकते हैं पूरा खोद डाली मिट्टी यहाँ पे भाई। नो डाउट इससे आप लोग इंस्टेंट भी कर सकते हैं, बट लेकिन जोखिम अपना रहेगा दोस्तों। बाकी मजा आ गया इसको आज बर्नआउट मार के, मैंने फर्स्ट टाइम मारे और टायर्स पूरे ये हीट यानी कि हीट हो रहे हैं, बट लेकिन मिट्टी है तो उतना ज़्यादा हीट नहीं हो रहे हैं। मैं अब इसको ट्राई करता हूँ एक रोड साइड पे खड़ंजे टाइप पे, उस पर मैंने ट्राई करके देखता हूँ क्या इस पर इजिली हो जाता है। उस पर तो इजिली हो जाएगा क्योंकि उस पर ग्रासेस रहती हैं, बट लेकिन इसको डायमल रोड पे करेंगे किसी दिन पर्टिकुलर, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। क्योंकि अपने पास दोस्तों अभी अपन अकेले आए हुए वीडियो बनाने दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अभी मुझे एंगल सेट करने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। चलिए अब मैं आपको अलग एक और एंगल से दिखाता हूँ फटाफट। भाई साहब कतई मजा आ गया यहाँ पे, पूरा देख सकते हैं और यहाँ पे टायर जलने की बहुत तगड़ी बदबू आ रही है दोस्तों, देख सकते हैं आप ये कितना ज्यादा, यानी कि यहाँ पे भी हो रहा था ये तो टायर हो ही गया है। अब देख सकते हैं दोस्तों टायर जाने का इससे ज्यादा दिक्कत रहता है, इसलिए ज्यादा रेव के लिए नहीं मार रहा हूँ दोस्तों। और भाई क्या ही बताऊँ क्या इस बाइक, और अगर ABS गलती से भी दे दी होती बाइक में तो इतना फाड़ हो जाता भाई, कसम से एकदम फाड़ हो जाता, बट लेकिन जो भी दिया ना कड़ेवेस वाले ने एकदम कमाल का दे दिया है। 125cc के सेगमेंट में अपनी तरफ से बीस्ट उतार दी उन्होंने, जो कि TVS Raider 125 है दोस्तों। आप नो डाउट जा सकते हैं बाइक में, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट दोस्तों सब्सक्राइब कर दो ऐसी खतरनाक और मजेदार और धमाकेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को, जिससे आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पहले से पहले आप वीडियो देख लिया करिए दोस्तों, और ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेंगे, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और आप टायर की हालत देख सकते हो दोस्तों,
ये 100 देख सकते हैं आप, ये अपना देते हैं 90/100 का आपका दे, और इससे वाइडर नेक्स्ट टाइम अगर ये टायर खत्म होगा इससे वाइडर कोशिश करूंगा डालने का, भले एवरेज पे कुछ फर्क पड़ेगा बट लेकिन नो डाउट उसको डालूंगा ही डालूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करके जाइए दोस्तों।